Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Uttar Pradesh, Meerut mein haal hi mein मुजफ्फरनगर का एक नवजात बच्चा सुर्खियों में है। इस बच्चे के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल ये बच्चा चार पैरों और चार हाथ के साथ पैदा हुआ था। इस नवजात का जन्म 6 नवंबर को मुजफ्फरनगर में हुआ था। उसके माता पिता जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर लेकर गए, जहां से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवरत्न गुप्ता व गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना चौधरी इस बारे में विस्तार से यह जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवरत्न गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। बेसिकली ये जो बच्चा हमारे पास आया है, ये कंजेनाइटल एनोमली यानी कि एक प्राकृतिक रूप नवजात, एक जो एबनॉर्मलिटी होती है उसके साथ ये पैदा हुआ है। बेसिकली इस बच्चे के ये दो बच्चे थे, दो जुड़े हुए थे, जिसमें कि एक बच्चा डेवलप नहीं हुआ। उसका धड़ से यानी कि हम बात करें कि जो हिप रीजन से ऊपर का पोर्शन नहीं बना, और जो दूसरा बच्चा है वो प्रॉपरली बना है। लेकिन जो दूसरा बच्चा जो बना नहीं, उसके भी जो हाथ पैर हैं वो इसी बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि एक बच्चा दो पैर और तीन हाथों के साथ पैदा हुआ है। तो ये एक तरह की, जैसे पहले हम ये देखते थे किसी गाय के पांच पैर हैं या कोई अलग दो मुंह है, इस तरह की एनोमली है। नॉर्मली जो इस तरह की जो एनोमली होती है वो ट्विंस डिलीवरी में होती है। जो हमारी जो इंसिडेंस है जो होने का है कि कम से 3-4% ट्विंस डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी में के बाद में इंसिडेंस है इसका। और इस तरह की एनोमली ट्विंस डिलीवरी में कि ऐसा बच्चा 60,000 या 50,000 में कोई एक बच्चा जो इस तरह की एनोमली के साथ जो है वो पैदा हो। इसमें भी यही बच्चे जो ट्विंस हुए थे जो कि धड़ से जुड़े हुए थे, लेकिन जो एक ट्विंस है उसका धड़ का और सर का हिस्सा वो नहीं बन पाया। उसे हम कहते हैं वो एट्रोफी हो जाती है, लेकिन उसके जो पैर थे और हाथ, एक हाथ उसका उस अटैच्ड है उस बच्चे के साथ। परिजन चाहते हैं कि उस बच्चे का प्रॉपरली वो इलाज चलाना, और जो फादर हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और बच्चे का इलाज कराने के लिए। और वो उनको थोड़ा सा ये बताया भी हो सकता है कि हमें सर्जरी करनी पड़े आफ्टर दी जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार है। अब जैसे ये पेशेंट है, इसका भी हुआ था, ये बता रही है कि 19 हफ्ते पे हुआ था, बट ये मिस हो गया, जो कि मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चार पांव होते हैं तो चारों हड्डियां अलग अलग चमकती हैं, और एक ही लेवल पे चार हड्डियां दिख रही थी तो तभी संशय हो जाना चाहिए था, पहले ही ये डायग्नोसिस बन जाती। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा दो बच्चे अच्छे हो गए, तीन अच्छे हो गए, तो चौथा तो आराम से ही हो जाएगा, बट कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर प्रेगनेंसी यूनिक है, इसलिए डॉक्टर को हमेशा दिखाते रहें। शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड का बहुत सारी कॉन्जेनाइटल एनोमली में रोल है, जो कि हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलती है, और 3 अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सबको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, एक 10-12 हफ्ते में, जिसमें जुड़वा बच्चा है, सर की बनावट सही नहीं है, और डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं उसकी भी फीचर आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड में। एक लेवल 2 होता है जो 18 से 20 हफ्ते तक किया जाता है, 22 वीक्स तक भी किया जाता है, इसमें बच्चे का दिल का इको भी हो जाता है अगर दिल में कोई एनोमली है। और एक थर्ड ट्राइमेस्टर 34 के वीक्स के आसपास कराया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगे। वैसे तो इसकी स्मूथ डिलीवरी हुई है, और जैसा उसके हस्बैंड ने बताया था कि घर पे ही दाई ने करा दिया, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब चार टांग आती हैं या बड़ा बच्चा होता है तो कई बार टियर हो सकते हैं, योनि मार्ग कट सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो ये रिस्क ज़रूर रहते हैं। और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो रहता ही है मदर को, पहले 3 बच्चियाँ स्वस्थ थी, इस बार लड़का हुआ उसके और इस तरह का डिफॉर्मिटी के साथ है। आगे लंबा इलाज चलता है इन बच्चों का, कहना बड़ा सिंपल होता है कि एक्सेसरी लिम्स हट जाते हैं, लेकिन उनको हटाने का ऑपरेशन और प्रक्रिया भी बड़ी जटिल होती है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv।